ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। पृथ्वी, जिसे हम हमारा घर भी कहते हैं, यह कई रहस्यमयी आश्चर्यचकित जगहों से भरी है, क्योंकि इसकी भौगोलिक विविध परिस्थितियाँ और दुनिया के कोनों की प्राकृतिक विशेषताएँ हमें आश्चर्यचकित करती है। हमारे इस पृथ्वी में स्वर्ग से लेकर नरक जैसी जगहें मौजूद है। यदि आप भूत प्रेत की कहानियाँ या एलियन जैसे बातों पर दिलचस्पी रखते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दुनिया में ऐसी अनगिनत जगह है जो हमेशा ऐसे ही रहस्यों से घिरी है। हम आपको इन्हीं जगहों से रूबरू कराएंगे, तो हमें इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो करना। हम वहाँ पे भी आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। तो आराम से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस अनोखे सफर पर। जानते हैं दुनिया की कुछ रहस्यमयी जगहों के बारे में। बरमूडा ट्रायंगल, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है और 5 लाख वर्ग मील से भी अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जो दरअसल फ्लोरिडा और पोर्टो रिको बरमूडा के बीच एक त्रिकोणीय क्षेत्र में फैला हुआ समुद्री भाग है, जो हमेशा लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें 50 से अधिक जहाज और 20 से ज्यादा हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। जो भी जहाज इसके ऊपर से गुजरता है, वह रहस्यमय तरीके से लापता हो जाता है। ना ही उस जहाज का कोई मलबा मिलता है और ना ही किसी की लाश। इसीलिए आज कोई भी हवाई जहाज या समुद्री जहाज इस जगह के ऊपर से नहीं गुजरता। बरमूडा ट्रायंगल की कहानियाँ बहुत ही ज्यादा पुरानी हैं। कोलंबस ने भी अपनी किताब में इस जगह का जिक्र करते हुए लिखा है कि उसने इस जगह पर एक रोशनी आसमान से आते हुए देखी, जो सीधा समुद्र में समा गई। एक बार एक अमेरिकी नेवी एयरक्राफ्ट ने इस जगह के ऊपर से उड़ान भरी, वह अचानक से गायब हो गया, जिसका कोई भी अता पता नहीं चला। जिसके बाद उसे ढूंढने के लिए और 4 नेवी क्राफ्ट्स को भेजा गया, वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जिसके बाद से यह एक चर्चा का विषय बना और इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई और इस पर कई फिल्में भी बनी। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर लोग अपनी अपनी बातें बनाने लगे। कुछ लोगों के अनुसार इस पर एलियंस का कोई हाथ है, तो वही कुछ लोग कहते हैं इसके नीचे एटलांटिस नाम की एक उन्नत सभ्यता रहती है, जो नहीं चाहती कि कोई भी एयरक्राफ्ट या जहाज उनके ऊपर से गुजरे। लेकिन यह लोगों की बस कहानियां हैं। अगर अटलांटिस का सच जानना है, तो इसके ऊपर हमने एक विस्तार से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लेना। अगर बरमूडा ट्रायंगल को लेकर रिसर्चर्स की राय माने, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है और इस जगह का वातावरण हमेशा खराब होता है, जिस वजह से जहाज का कोई भी सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता और इसी कारण पायलट्स को जहाज चलाने में काफी दिक्कत आती है और इसी वजह से जहाज समुद्र की गहराई में डूब जाते हैं। लेकिन इस बात के कोई तख्ता सबूत नहीं है और ना ही कोई क्लियर स्पष्टीकरण है। इस वजह से लोग आज भी बरमूडा ट्रायंगल को एक रहस्यमयी जगह मानते हैं। कनाडा का द फेयरमाउंट बैनस्प्रिंग होटल। मेरे उच्चारण के लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन स्पेलिंग देखकर आप इस होटल का नाम समझ सकते हैं। भूत प्रेत जैसे बातों पर दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों के लिए यह जगह किसी एडवेंचर से कम नहीं, क्योंकि यह जगह ऐसे ही भूत प्रेत गतिविधियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। कनाडा का यह प्रसिद्ध होटल भूत प्रेत की कहानियों और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके पीछे भी एक कहानी है जो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा सुनाई जाती है। यहाँ पर एक परिवार कमरा नंबर 873 में रुका हुआ था, जिन्हें उसी होटल के कमरे में बेरहमी से मार दिया गया था। होटल वालों ने अपने इज्जत के लिए इस बात को तो दबा दिया, लेकिन उसके बाद से इस कमरे में जो भी रहने आया, उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जब ये वारदातें बढ़ने लगी, तो होटल वालों ने इस कमरे के दरवाजे पर प्लास्टर करके इस कमरे को ही छुपा दिया। फिर भी आज यह आत्माएं होटल के लोगों को परेशान करती है, ऐसा ही दावा यहाँ रहने वाले लोग करते हैं। कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने होटल में कुछ लोगों को अचानक प्रकट होते हुए और गायब होते हुए देखा है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है हमें तो नहीं पता, यह बस इंटरनेट से ली गई जानकारी है, जो इस जगह को वाकई में एक रहस्यमय जगह बनाती है।
अगर आपको इस होटल में रुकने का मौका मिले तो क्या आप इस होटल में एक रात गुजारना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास विदेश जाने का बजट नहीं है तो एक जगह इंडिया में भी ऐसी ही मौजूद है जो अपने भूत प्रेत जैसे गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में स्थित भानगढ़ किले की, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, जो आज राजस्थान में एक प्रसिद्ध जगह है। कहा जाता है यह अपने दौर में बहुत ही ज्यादा सुंदर था। भानगढ़ किला वर्तमान में भारत में सबसे डरावनी जगहों में से एक है, जिसको लेकर लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह अभिशाप है, जबकि अन्य लोग सोचते हैं कि यह एक जादूगर की दुष्ट आत्मा है जो भानगढ़ के राजकुमारी से प्यार करती थी। हालांकि किसी भी कहानी का कोई भी सबूत नहीं है, लेकिन इस बात के सबूत है कि यह जगह वाकई में बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक है, क्योंकि भारत सरकार ने भी कुछ किलोमीटर पहले ही यहाँ पर एक बोर्ड साइन लगा दिया है कि कोई भी व्यक्ति शाम के समय के बाद इस इलाके में ना आए। लेकिन दिन में यहाँ पर कई लोग जाते हैं जिनका दावा है कि उन्होंने इस किले में प्रवेश करते समय कुछ बेचैनी सी महसूस की है। इंटरनेट पर आपको ऐसे भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर लोग रात को इस जगह में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन यह कितने सच है हमें नहीं पता। लेकिन भानगढ़ एक डरावनी और रहस्यमय जगह है, इसका सबूत भारत सरकार का यह वार्निंग बोर्ड ही बताता है। एरिया 51। दुनिया में कम ही लोग होंगे जो इस जगह के बारे में ना जानते हो। यह कई सालों से लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का दावा है कि यह जगह एलियंस से जुड़ी हुई है, जहां पर अमेरिका और एलियंस साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका की सरकार इस बात को हमेशा से नकारती आई है। एलियंस तो दूर की बात, अमेरिका की सरकार इस जगह के अस्तित्व को भी नकारती थी, लेकिन जब लोगों के सबूत और सैटेलाइट्स इमेज सामने आए तो अमेरिका की सरकार ने आखिरकार 2013 में इस बात को माना कि एरिया 51 नाम की जगह असली में मौजूद है, लेकिन यह बस एक मिलिट्री बेस है, इसका एलियन से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर मिलिट्री के प्रशिक्षण और मिलिट्री गतिविधियाँ होती है, इस वजह से इस जगह को गुप्त रखा गया है। यह जगह अमेरिका के नेवाड़ा में स्थित है, फिर भी लोग अमेरिकी सरकार की इन बातों को आधा सच ही मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है यहाँ पर उन्होंने कई एयरक्राफ्ट्स को उड़ते हुए देखा है जो किसी एलियन शिप की तरह दिखाई देते हैं। और कई वैज्ञानिक जो इस जगह पर काम करते थे उन्होंने भी इस बात के सबूत दिए है कि उन्होंने एलियंस को इस जगह पर देखा है। और इन बयानों के बाद वह लोग अचानक से गायब हो गए। तो क्या सच में अमेरिका एलियन के साथ मिलकर एलियन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, या फिर यह बस लोगों की अफवाह है? इस बात के कोई भी तख्ता सबूत किसी के पास नहीं है, क्योंकि एरिया 51 पर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है, और इसी वजह से एरिया 51 लोगों के लिए रहस्यमय जगह बन गई है। इन सारी जगहों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। धन्यवाद।